So, hey guys, what's up? और आपका स्वागत है एक और वीडियो के अंदर तो आज की वीडियो के अंदर ये जो जेलेपिन इमेज है इसके अंदर की ऐसी एनिमेशन आप कैसे बना सकते हो मैं आपको आज की वीडियो में बस यही बताने वाला हूँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो गाइज हेयर आई एम ऑन माई पीसी और यहाँ पे अब बेसिकली जो मैं करने वाला हूँ वो है एक, एक, एक स्लाइड पे ले लिया है अब आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और ट्राइंगल के पॉइंट को एडजस्ट करके हम कुछ ऐसी जेलेपिन जैसी इमेज बनाएंगे तो अब आप शिफ्ट की होल्ड करके एक ट्राइंगल बना सकते हैं फिर इनकी डायमेंशन सेम कर सकते हैं मैं यहाँ पे सेम कर देता हूँ और अब आपको एडिट पॉइंट मोड पे चले चल जाना है यहाँ पे आप इन सबके राइट क्लिक करेंगे तो स्मूथ स्मूथ का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको इस पे जस्ट एक सिंपल क्लिक कर देना है देख लीजिए मैंने ऐसे कर दिया है अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है अब आपको इसको जो है ऐसे ले जाना है और इस पे आप क्लिक करोगे तो ये पॉइंट हैंडल आ रहे है। तो आप इसे ऐसे खींच के अपने हिसाब से इमेज को बना सकते हैं आपको कैसा जेलिपिन इमेज टाइप चाहिए तो मुझे कुछ ऐसा सा चाहिए तो अब मैं के साथ खेल कर कुछ ऐसी सी इमेज बना देता हूँ जैसी की इमेज हमें चाहिए थी ठीक है गाइस अब यहाँ पे इमेज जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और अब हमारा मेन काम जो होता है इसको एनिमेशन देने का होता है तो ये इमेज है इमेज हर बार सेम नहीं होती अलग अलग टाइप की बनती है अब आपको क्या करना है अब आपको यहाँ पे एनिमेशन में जाना है और एनिमेट पेंटर खोल लेना है अब आपको इसके ऊपर दो एनिमेशन ऐड करनी है स्पिन और ग्लो और श्रिंक दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये इनके स्टेप सेम है यहाँ पे ड्यूरेशन जो है फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेकेंड्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेकेंड कर सकते हो मैं फिफ्टीन सेकेंड्स प्रेफर कर रहा हूँ प्रीवियस कर दीजिएगा ताकि ये स्पिन भी होता है और बड़ा छोटा भी होता रहे यहाँ पे स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड के अंदर पॉइंट फाइव डाल दीजिएगा और फिर यहाँ पे टाइमिंग के अंदर रिपीट के अंदर अंटिल द एंड ऑफ द स्लाइड ताकि ये होता रहे होता रहे होता रहे ठीक है अब बेसिकली हमें क्या करना है आप अपनी स्लाइड पे कीजिए और कंट्रोल प्लस डी दबा के डुप्लीकेट बना लीजिए इससे क्या होगा बैकअप बना रहेगा और कोई अगर आपकी एनिमेशन नहीं चल रही है तो office.com डॉट साइड है आप उससे बना सकते हैं और उसका टोटोरियल चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी तो आप वहां से देख सकते हैं तो गाइज अब ये बन चुके अब आपको एक ऑनलाइन इमेज लेनी है तो मैं यहाँ से ऑनलाइन इमेज लेना प्रेफर करूंगा यहाँ से मैं ऑनलाइन इमेज ले रहा हूँ आप कोई सी भी इमेज ले सकते हैं अपने स्कूल के लोगों की बैकग्राउंड की या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है तो जैसे कि मैंने यही से ये फोटो भी ली थी अब मैं आपके सामने ही कोई सी भी फोटो ले सकता हूँ आपको जोन सी अच्छी लगे आई लाइक दिस वन तो मैंने ये कर दी है और इसके अंदर दो पिक्चर्स आ गई है अब क्या करना है हमें ये इमेज लेनी है और ये भी है तो आप इससे भी कर सकते हैं अब मैं इसे स्पेशली क्रॉप कर दूंगा ताकि अच्छे से दिखे तो मैं इसे छोटा छोटा करता हूँ यहाँ पे ये किया यहाँ पे क्रॉप पे गए और फिर मैं आज इसे क्रॉप कर लूंगा ठीक है जब आपने ये क्रॉप कर लिया है तब आपके पास एक अच्छी सी इमेज रहेगी अब फिर आप क्या करने वाले हो अब आपको देखना है कि ये ऐसा होल सा बने तो उसके लिए आपको क्या करना है इसको सेंड बैकवर्ड कर दीजिए ताकि ये शेप दिखे और अब एक स्लाइड को छोटा करके एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बना लीजिएगा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ट्रायंगल बना लीजिएगा और फिर इसको सेंटर अलाइन कर लीजिएगा अब मैं इसे सेंड बैकअप बैकवर्ड करूंगा और फिर इसको ऐसे करके मर्ज के अंदर जाके सबट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा अब फिल जो है इनका वाइट रखूंगा और इसकी नो no आउटलाइन रखूंगा सो so गाइस जब आप ये कर लोगे तो ये ट्राइंग मैं ट्राइंगल बोल दिया ये रेक्टेंगल भी हो सकता है स्क्वायर भी हो सकता है अब आपको क्या करना है अब आपको यहाँ से एनिमेशन यही सेम टू सेम डालनी है तो मैं फिर से नहीं लगाऊंगा मैंने तभी बैकअप लिया था अब मैं एनिमेट पेंटर कर दूंगा ठीक है गाइज तो जब मैं एनिमेट पेंटर करने वाला हूँ तो आपको इसको फोटो पे नहीं व्हाइट सर्फेस पे करना है और अब आप जब करोगे या फिर मैं अब आपको इसको स्लाइड शो में दिखाऊंगा तो आप देख रहे हो कि ये ऐसा सार है जो बहुत ही गंदा लग रहा है तो इसको ठीक करने का जो तरीका है वो ये है आपको क्या करना है सिंपल है एक सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है और आप शिफ्ट की दबा लीजिएगा ताकि ढंग से रहे मैं छोटा छोटा कर लूंगा और फिल जो है इसके अंदर नो फिल रखिएगा और आउटलाइन जो है इसकी ब्लैक रख दीजिएगा ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको बेसिकली एक लाइन बनानी है क्या बनानी है लाइन बनानी है आपने जब ये लाइन बना ली तब आपको इसके इस सेंटर पे प्लेस कर देना है तो इसके सेंटर पे जब मैंने ऑलमोस्ट प्लेस कर दिया एस्टिमेटेड वैल्यू चलेगी ठीक है इसके सेंटर पे करना है और अब मैं सर्कल को भी ध्यान से देखिएगा सर्कल और लाइन दोनों को सेंटर में कर दिया है अब क्या करना है हम हाँ? हमें इसको शिफ्ट के साथ पकड़ के ग्रुप कर देना है ठीक है अब आपने जब ग्रुप कर दिया तब आप इसको ऐसे लेकर जाइएगा फिर ये सेंटर में आ जाएगी फिर आप इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं आपको कोई काम नहीं है अब आप ये जो है शिफ्ट की होल्ड कर कर थोड़ा बड़ा कर सकते हो और फिर यहाँ पे पिक कर सकते हो तो मैंने फिर से कर दिया है अच्छे से ठीक है गाइस अब क्या करना है गाइस अब आपको बेसिकली जो करना है वो यहाँ पे इस ट्राइंगल इस सर्कल को और इस रेक्टेंगल को ग्रुप कर देना है ठीक है अब ग्रुप करने के बाद आपको ये जो है यानी कि इस पे जो हमने एनिमेशन लगाई थी वो ही आपको फिर से इसके ऊपर यानी इस ग्रुप के ऊपर लगानी है जब आपने कर दिया तब मैं इसे प्ले करूंगा तो अब आप देखिए कैसे बड़ा छोटा हो रहा है और फोटो के अंदर से ऐसे दिख रहा है इससे बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होता है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको अब आपको इमेज चेंज करना है तो उसके लिए आपको कुछ ही नहीं करना है ना आप इसे डिलीट कर सकते हो मैं इसका बैकअप करके आपको दिखाता हूँ ठीक है तो मैंने इसे डुप्लीकेट किया अब आपको क्या करना है आप पिक्चर डिलीट कर दीजिए ठीक है और यहाँ इंसर्ट में जाके फिर से एक पिक्चर ले लीजिएगा मैं फिर से कोई और पिक्चर ले लूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को ये पिक्चर अच्छी लगी मैंने ये पिक्चर ले ली है तो जब ये पिक्चर अब आ जाएगी तब आप देखिएगा क्या होने वाला है आप जस्ट इस पिक्चर को इस पिक्चर को लाएंगे और इसे एकदम सेंड बैकवर्ड कर देंगे और फिर इस इमेज को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे अब आप प्ले करके देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा आपकी इमेज भी चेंज हो गई है और कितना अच्छा लुक लगता है गाइस ये ठीक है तो गाइस आपको कैसा लगा ये लुक कमेंट में जरूर बताना मुझे और अगर वीडियो का ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपको ऐसी ही पावर पॉइंट टिप्स और नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट टिप्स देता रहूं मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना तब तक के लिए नमस्कार